अंशुला है जो बहुत बकवास कर करती है, मुझे पता नहीं क्या कर रही है। अंशुल क्या ऑर्डर किया है आपने? चाइनीज माल नहीं खाना देखा है ना, चाइना की चीजें नहीं खाना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, इतने दिनों से मैं व्लॉग बनाने भूल गई थी। सो आज मैं आई हूँ अपने मामू के घर, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैं पहुंची हूँ। और मेरे साथ है नीनू भैया, हेलो, और पीछे गाड़ी में है अंशुल। तो दोस्तों सीमा आई है अपने मामू के घर आफ्टर लॉन्ग टाइम, और वैसे सीमा ने व्लॉग बंद किए हुए थे, तो आज के बाद आपको काफी अच्छे व्लॉग देखने को मिलने वाले हैं सीमा मेहता व्लॉग्स पर, जिसमें कि एक शादी का व्लॉग आने वाला है काफी जबरदस्त। तो मामू के घर आने के बाद यहाँ पर जो नाहर वैली का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है यूमिगो, वहाँ हम जाने वाले हैं चाइनीज पराठा खाने के लिए। Don't need to stop and catch my breath to keep me going for all. अंशुल क्या ऑर्डर किया है आपने? चाइनीज माल नहीं खाना देखा है ना, चाइना की चीजें नहीं खानी, चाइना की चीजें खाएंगे। चाइनीज पराठा। तो फिलहाल हम आए हैं यम्मी टेस्टी चाइनीज पराठा खाने का। अभी हम वेट कर रहे हैं चाइनीज पराठे का, और यहाँ पे अंशुल है जो बहुत बकवास कर करते हैं, मुझे पता नहीं क्या कर रही है। गाइस फाइनली आ चुका है हमारा यम्मी चाइनीज पराठा, अब हम टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। अभी तो आपने टेस्ट ही नहीं किया है। पता है हमारे को रोज खाते हैं। चल ठीक है, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। ओह गॉड, ये तो खाया नहीं जा रहा है। इसे एक बार YouTube पे भी आएगा शॉर्ट्स के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तूने तो पहले खाया है, तू थोड़ा सब्र कर, मेरे को खाने दे। कट कर ले। कैसा है अंशुल? टेस्टी है, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। गाइज अब हम लोग चाइनीज़ पराठा खा के फ्री हो चुके हैं, और ये है यहाँ पे यम्मी को, और यहाँ पे बहुत टेस्टी चाइनीज पराठा मिलता है। अब नीनू भैया तो चले अपने घर, ठीक है। हमारा हंटर है ना, ये जो हंटर है हमारी गाड़ी है, हंटर नहीं सॉरी शूटर। हाँ, इसकी लाइट दिखाओ जरा, आप आगे जाके रुको रुको। वाओ बहुत अच्छी है। तो गाइज अब जा रहे हैं नीनू भैया अपने घर, और हम जा रहे हैं नानी के पास वापस, बट अभी हम थोड़ा सा और घूमेंगे। पर नीनू भैया को रियल लेट, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हम कल सुबह और मिलने वाले हैं दोबारा से, क्योंकि हमने साथ में जाना है। बाकी कल मैं एक और नया ब्लॉग शूट करूंगी, तो वो भी दिखा दूंगी आपने। भैया बाय, मिलते हैं सुबह, आराम से जाना। तो गाइज फिलहाल अभी हम जा रहे हैं रुद्र देवता जी के मंदिर दर्शन करने, और हमें काफ़ी रात हो चुकी है, और इधर आगे को है अंशुल, तो ये आगे को है सुंदर सा मंदिर, तो अभी दर्शन करते हैं सबसे पहले। फिलहाल दर्शन तो हमने कर लिए देवता जी के, तो अभी हम आए मंदिर के सामने वाले आंगन में। मंदिर के सामने एक बहुत सुंदर सा और खुला सा आंगन है, बहुत ही स्पेसफुल सा आंगन है, और फिलहाल अंधेरा इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप देख सकते हैं सामने स्ट्रीट लाइट भी जल चुकी है। गाइज ये है नाइट का व्यू, बहुत ही सुंदर सा व्यू, और ये मंदिर फिलहाल ये अच्छे से दिख नहीं रहा है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है अंधेरे में, तो क्लैरिटी उतनी दिखेगी नहीं आपको मंदिर की। और डे में तो हम पहुँचे नहीं थे, इसलिए हमने दिन को शूट नहीं किया, हम अभी पहुँचे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम साइड में बैठ चुके हैं, और मेरे साथ अंशुल भी बैठ गया है, और अभी हमने मम्मी और नानी के लिए पैक किया है चाइनीज़ पराठा, तो अभी हमें वो लेने भी जाना है क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया और हमको ज़्यादा लेट हो जाएगी ना, तो हमको डांट पड़ी। तो गाइज अभी हम घूम रहे हैं पुजारी चार में, और वो भी रात में, तो कैसे लग रहा है अंशुल रात को घूमते हुए? मज़ा आ रहा है, जोर से तो बोला कर तू। मज़ा अभी अभी का चाइनीज़ पराठा खाया, एनर्जी कहाँ चली गई तेरी, जोर से बोल। तो फिलहाल अंशुल जा रहा है नीचे चाइनीज़ पराठा लाने कैफ़े में, और ये है अंशुल की गर्लफ्रेंड प्यारी सी। गाइस फिलहाल हमें जाना है उस रोड में पार की तरफ को, और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है। यो तो है मेरा चाइनीज़ पराठा, हम खाएगा केले केले टका। ये मम्मी और नानी के लिए है पराठा, लेके आ गया है हमारा अंशुल बॉय। बेच ले इसको, ठेला लगा दे यहाँ पे। चाइनीज़ पराठा डिस्काउंट लगा के 80 रुपये में। ओ 80 रुपये में, 80 रुपये का खा के आए हम, पागल चलाक। नहीं 80 रुपये का पराठा डिस्काउंट लगा के 90 में। 90 में तू तो एक कंगाल कर देगा कि दिन में। हेलो गाइस, ये जो आगे लड़की चल रही है ना,
इसने मेरा होट लिया हुआ है, इसने होट लिया है। क्या बोलते हैं, मुझे ठंड लग रही है। वैसे तो मैं भूल लगी जिसने सिंगल स्वेटर कर दिया। अरे यार तूने मुझे गिफ्ट दिया है ना, पूरा पूरा फायदा उठाया जा रहा है। तूने मुझे गिफ्ट दिया है यार, पूरा फायदा उठाया। मैंने कोई हुड नहीं लिया इसका, इसने मुझे गिफ्ट दिया है। जब मेरा बर्थडे था ना तब इसने मुझे गिफ्ट दिया था। कौन सा बर्थडे, उस समय तो परे था। चुप रह तू, अभी तुझे वापस नहीं मिलेगा, समझा? कुछ नहीं मिलेगा तुझे। तो गाइस देखो, अभी हम घूम रहे हैं सुनसान से रोड में। वैसे तो हम घर जा रहे हैं पर यहाँ पे चारों तरफ जंगल ही है। हालांकि पता नहीं दिख रहा होगा नहीं, हम सुनसान नहीं बोल सकते उसको। तो वो गाड़ी जा रही सुनसान से होगा ना, कहीं भी होगा। हाँ चल, होगा तो होगा ना, पर ये ऐसे ना नाले जैसे में कोने में ये सड़क ना, तो फिर सुनसान ही समझ ले। हम तीनों ही है और कोई इंसान दिख रहा है? ये है सीमा मेहता का घटिया साइड, नहीं चल रही है गाइस, और कुछ नहीं चल रहा है यहाँ। तो गाइस रात को घूमने का ना अपना ही अलग मजा है। और मैं पहली बार घूमी हूँ इतनी देर तक, तुझे मजा नहीं आया? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, सच बोल रहा है। पर ये मजा भी सजे में बदलने वाली है, क्योंकि हमको डांट पड़ने वाली है मम्मी और नानी से, जबरदस्त वाली। तो प्रिपेयर रही हो।